रामस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। मंगलवार को दरभंगा रोटरी क्लब के द्वारा लहड़िया साहिब बंगाली टोला स्थित बंगला भारती बालिका विद्यालय बेबी गर्ल्स स्कूल में वृद्ध लोगों को पठन पाठन कराया गया। इसका उद्घाटन NIOS के पैटर्न पर प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा ने की। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। अंगूठा छाप के अभी कुछ लिखना जानते हैं। क्या इस संस्था को क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आपने आपके लिए जो प्रोग्राम इस सत्र में 2017-18 में ये पहला रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा ये पहली बार किया जा रहा है। अभी तक किसी भी 102 क्लब में किसी ने ये प्रोग्राम को लॉन्च नहीं किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी आपने लोगों से पूछा, अभिभावकों से और लोगों से पूछे, तो देखिए इन लोगों को कितना आनंद आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम अंगूठा छापते और अब हम साइन कर सकते हैं। अगर सम्मानित किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कुछ कुछ का कहना था सर क्या देंगे, तो हम बोले उसके अलावा हम भी सर हैं, हेड सर हैं, हम भी कुछ प्राइज देंगे। तो ये लोग और उत्साह के साथ यहाँ पर आने लगे। शीतलहरी के समय में ये लोग कुछ, स्कूल तो खुला हुआ था 9 से 4, लेकिन तभी भी कुछ संख्या में घट गए और इन लोग भी बहुत साथ दिया हम लोगों का और हम लोग तत्पर होकर इन लोगों को सिखाए। और अलविदा तनाव ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा 28 मार्च से शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रख्यात पूनम बहन के द्वारा मेडिटेशन के माध्यम से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं कई बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिलेगा एवं तनाव मुक्त भी किए और सुखमय जीवन जी सके। और इस शिविर के अंदर तरह तरह के उत्सव भी मनाए जाएंगे। भारत उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कभी होली मनाते हैं, कभी दिवाली मनाते हैं, कभी रक्षाबंधन मनाते हैं, अभी नवरात्रि गए। और इस शिविर में मानव जीवन से जुड़े हुए उत्सव, जैसे खुशी चाहिए तो खुशी, क्या दवा मत लो, नहीं, दवा के साथ अगर आप ये मेडिटेशन करेंगे तो ये दुआ का काम करेगी। कहते हैं ना, खुद के लिए दुआ हो जाएगी। आजकल तनाव या बीमारियां क्यों हो रही है? खुद के नेगेटिव विचारों के कारण। तो जब हम डॉक्टर्स भी कहते हैं आजकल कि हम लोग दवा दे रहे हैं पर नेगेटिव सोच के कारण दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। मंगलवार को DDC कारी महतो के द्वारा विकास भवन में सभी प्रखंड के अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। वहीं इसमें सह कार्यपालक की भी बैठक आयोजित हुई। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में DDC कारी महतो के द्वारा 31 मार्च तक सभी लंबित कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया। संपत्ति का भी अनुरक्षण हो सके, उसी के तहत बैठक थी। नए PO साहब लोग आए हैं, उनसे बैठक कर रहे थे ताकि लोग क्षेत्र में योजनाओं को ले सकें, रोजगार सीजन हो सके। फसल का कटनी का भी समय आ रहा है तो खेत में खाली मिलेगा, इसीलिए काम कराया जा सकता है। इसीलिए और 31 मार्च खत्म होने के है और क्या निर्देश दिया गया? नहीं, 31 मार्च खत्म हो रहा है तो जितना काम होगा उतना भुगतान होगा। 31 मार्च चूँकि मनरेगा में 31 मार्च से वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, फिर नए 41 से चालू होगा, उसमें भी राशि प्राप्त रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जो काम कर चुका है उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए क्या था? नहीं, जो काम कर चुका है जिसका भुगतान नहीं हुआ है उसमें कुछ दिन प्रॉब्लम था, लेकिन उसकी ऑडिट कर, बहुत ऐसे लोग आ रहे हैं पुराने जिसकी ऑनलाइन एंट्री नहीं है, तो अब ऑनलाइन ही भुगतान हो रहा है, इसीलिए जिन लोगों का ऑनलाइन एंट्री नहीं है उसके भुगतान में। मंगलवार को कार्यपालक सहायक संघ के बैनर तले वेतन और अस्थायी नियुक्ति को लेकर दूसरे दिन भी लहड़िया साय धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। वही इस धरना में कई लोग उपस्थित रहे। शाम में लगभग 4:30 बजे प्रदेश कमेटी हम लोग के जो नेता है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा सरकार वार्ता पर बुलाई और वो गए। हमारे सभी
हाइजीन टेस्ट लेके और इंटरव्यू के बाद हम लोग का बहाली किया गया। तो क्या एक ही नौकरी में दो बार एग्जाम देना कहां से संभव है? इसी मांगों को नहीं मानी, इसलिए हम लोग का वार्ता सफल नहीं हो पाया है। आज दूसरा दिन है, हम लोग हड़ताल पर बने हुए हैं। मंगलवार को इंदिरा आवास सहायक के द्वारा जिला स्तरीय अपनी कई मांगों को लेकर लहरिया साइड धरना स्थल पर दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। वहीं इस धरना से सभी प्रखंड के इंदिरा आवास कार्य बाधित रहा और आरटीपीएस काउंटर खाली देखा गया। जिला के तमाम प्रखंडों में कार्य साथी, हमारी मांग है जो सरकार हमको रेगुलर करे, रेगुलर वेतन मान दे, हमको न्यूनतम मान दे, कम से कम 26,000 रुपया तत्काल करे। हम पर जो यातनाएं हो रही है उन यातनाओं पर अंकुश लगाया जाए, शोषण विहीन हम लोग रहें। इसी सब सवालों को लेकर के दरभंगा जिला में पूरे बिहार के आवास कर्मी सभी लोग आंदोलन पर हैं। बिहार राज्य और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ काम करने के लिए मजदूर खोजने जाते हैं तो उसका मांग वेतन 400 से 500 रुपया होता है। तब मुझे ये लगता है जब मैं किसी मजदूर से उसका पूछता हूँ दिहाड़ी कि वो कहता है 400-500 रुपया, तब लगता है कि क्या MBA मैंने इसलिए किया था कि हम 222 रुपया पे काम करें? ये बिहार सरकार की उठार गति नीति है, इस नीति को हम लोग नहीं चलने देंगे। मजदूरों से भी कम जो हम लोग को मानदेय मिल रहा है, अब हम लोग को ये बर्दाश्त नहीं। इनकलाबी नौजवान संघ के वर्ण तले जिला अध्यक्ष वैजेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में SC एवं ST को उनके अधिकार को लेकर लहरिया साइड धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं इस धरना में कई लोग मौजूद रहे। संशोधन पर चुप्पी, जो कह लीजिए कि दलित गरीबों के ऊपर अत्याचार थे वो पिछले वर्षों में बहुत ही उसमें वृद्धि हुई है, उसमें बहुत ही तेजी आई है और दलित गरीबों के अधिकार के उत्पीड़न के रक्षा के लिए जो बने हुए कानून थे SC ST Act, उसमें कह लीजिए केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से मैंने उसमें संशोधन करवाने की जो प्रक्रिया शुरू किया है, उसी के एवज में पिछले दिनों केंद्र में जो है कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन का अध्यादेश जारी किया है उसके हाईकोर्ट परिसर में मंगलवार को दरभंगा अधिवक्ता बार एसोसिएशन का चुनाव किया गया। इस चुनाव में कई लोग नजर आए। टोटल मेंबर ही बिहार चुनाव हो रहा है, बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव है और 25 मेंबर पद के लिए हो रहा है, जिसमें 1 से 25 तक सीरियल मार्किंग हम लोगों को करना है, जिसमें 1 नंबर जिसका ज़्यादा से ज़्यादा वोट ऑफ मार्किंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो प्रेसिडेंट और बार काउंसिल के लिए चुने जाएंगे और ये स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होगा। इसमें टोटल 25 वोट कास्ट करना है एक अधिवक्ता। क्या नाम है जी? हमारा नाम अधिवक्ता तनवीर हसन हुआ। को लहरिया साइड स्थित काली मंदिर में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें काली दुर्गा राधेश्याम गौरी शंकर सीताराम के मंत्र से उच्चारण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के भीड़ देखी जा रही है। मंगलवार को लहरिया सराय टावर अवस्थित इरा पब्लिक स्कूल का द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजन किया गया। इस मौके पर आरबी मेमोरियल के निर्देशक डॉक्टर बीके शर्मा के द्वारा फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। दूसरे साल में प्रवेश करने पर इरा पब्लिक स्कूल के निर्देशक दीपक कुमार ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि यहाँ के छात्रों के उज्ज्वल भविष्य, अनुशासन एवं गुणात्मक शिक्षा के लिए हमारी संस्था कटिबद्ध है। आज हम देव की पूजन करें।
खुद के बना दी कब ही बा मेरा पब्लिक स्कूल का सेकंड एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। लास्ट ईयर भी हम लोग यहाँ थे, एक साल के अंदर में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। फोर्थ क्लास तक, अभी फोर्थ क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं इस साल से, और एक एक क्लास पर एवरी ईयर ऐड किया जाएगा। उम्मीद है कि सब बच्चे को, और गार्जियन सब बहुत खुश हैं, सब बच्चा कम है और उसको बढ़िया ध्यान दिया जाता है, इसलिए सब लोग इस स्कूल से बहुत सेटिस्फाइड है। इस स्कूल के संस्थापक हमारे दीपक बात है, हम लोग दूसरे साल को अभी पूरा कर रहे हैं, दूसरा वार्षिक उत्सव है। हम लोग का मुख्य ध्येय है कि पढ़ाई तो और तो है ही, बट बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं, उन्हें कम्पिटिटिव रूप से तैयार कर रहे हैं, उनमें अनुशासन का बीज डाल रहे हैं ताकि बच्चे अनुशासन रहें पूरा समय। अब समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए मिथिला मंच। एक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा एफिलिएटेड टू से ट्रेंड एवं योग्य शिक्षा लक्ष्मी सागर दरभंगा, ये अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था मेडिकल। ब्रेक के बाद अब सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं फिर खबर पर। दरभंगा नगर निगम के द्वारा कृष्णा रेजिडेंसी में व्यापार अनुज्ञप्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक चलेगी। यह व्यापार अनुज्ञप्ति शिविर उन सभी व्यापारियों के लिए होगी जिनका व्यापार दरभंगा जिले में चल रही है। वही 5 लाख तक के आय वालों के लिए 1500 रुपया शुल्क है, तो 8 लाख तक वालों के लिए 2000 रुपया और 8 लाख से ऊपर वालों के लिए 2500 रुपया शुल्क लगेगा। यह शुल्क एक साल के अवधि तक का रहेगा। इस शिविर में नगर आयुक्त, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा के सहयोग से शिविर चल रहा है, और चैम्बर ने हम लोगों को काफ़ी सहयोग दिया इसमें, जिसके कारण हम लोगों ने जो शून्य था 1 लाख से लेकर के इनका 5 लाख तक, हाँ 5 लाख तक जिनका है उनको 1500 रुपया सालाना वार्षिक शुल्क भी है और उतना ही रिन्यूअल भी है दूसरे वर्ष, और उससे ऊपर ओनर का फोटो चाहिए, होल्डिंग टैक्स जिसमें दुकान है उसका टैक्स का रसीद चाहिए। और तक्षशरी काली नामधुन नवाह यज्ञ मंगलवार से प्रारंभ हो रही है, जो कि 9 दिनों तक चलेगी। नवाह यज्ञ शिवाजी नगर में स्थित काली मंदिर में होगा। मंगलवार को नवाह यज्ञ के प्रारंभ से पहले 1100 महिलाओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गयी, जिसमे हाथी घोड़ा बैंड बाजा के भी साथ था, और शोभा यात्रा शिवाजी नगर चौक, खानका चौक, मिर्जापुर, हसन चौक होते हुए पुनः अपने जगह पहुंची। इस नवाह यज्ञ का समापन 5 अप्रैल को होगा।
मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बुधवार को प्रबंधन भवन में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह करेंगे। वहीं इस संगोष्ठी का विषय रसो वैश्यः है, जिस पर आए अतिथि अपने विचार रखेंगे। हमारा आयोजित है 28 मार्च 2018 प्रातः 10 बजे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वाधान में आयोजमान राष्ट्रीय संगोष्ठी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदानित होगी। इस एक दिवसीय संगोष्ठी का विषय है रसो वैश्यः। इस औपनिषदिक वाक्य के मर्म पर आमंत्रित विद्वान एवं विदुषी समेत स्थानीय विद्वतगण एवं शोध प्रज्ञ गहन विमर्श करेंगे। नगर निगम के पार्किंग स्थल पर चल रहे होटल को अतिक्रमण मुक्त कराने मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, लेकिन वे खाली नहीं करवा पाए। तो वही होटल के संचालक पूर्व पार्षद सुबोध कुमार ने कहा कि मुझे ट्रेड लाइसेंस निगम के द्वारा दिया गया, जिसका शुल्क भी अदा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं अतिक्रमित जमीन पर हूँ तो हमसे भी पहले निगम की जमीनों पर कई लोग कब्जा किए हैं, तो पहले उनसे खाली करवाए तो हम खाली कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने निगम कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। हमको एक बार नोटिस मिला था कि आप अतिक्रमण किए हुए हैं, और मैं आपको बता दूं हम लोग अतिक्रमण नहीं किए हैं। जो निगम शुल्क लेता है, मैं शुल्क जो संवेदक द्वारा पूर्वों से चल रहा 5 वर्षों से, उस समय से शुल्क द्वारा ये दुकान संचालित है। पीछे मेरा कार्यालय था, आगे दुकान है। कभी कभी रूप रोगल के साथ हम लोग करते आए हैं और करते आए हैं। इसमें ट्रेड लाइसेंस भी हमको बनाया हुआ है नगर निगम, जो रसीद निगम जो काटता था वो भी कटाए हुए हैं। क्या जाने यहाँ का जो काउंसलर है, वो कहीं कहीं अतिक्रमण हो रहा है, कुआँ भरा रहा है, इसमें उसको नहीं देख रहा है। और यह हमसे व्यक्तिगत अपना दुश्मनी करें, जिला प्रशासन और नगर आयुक्त को, नगर निगम को एकदम परेशान किया हुआ है और इस तरीके से बच बच कर रहा है। लक्ष्मी सागर स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में 5 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को विद्यालय के सचिव नंदकिशोर यादव एवं वर्षर जय कुमार झा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। वही स्कूल के बच्चों के द्वारा राष्ट्रीय गीत एवं स्वागत गीत गाए गए। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य गणेश प्रसाद सिंह ने बताया कि इस खेल में वर्ग LKG से 9वीं तक के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें ट्रॉफी रेस, कैरम बोर्ड, शतरंज, बैडमिंटन आदि खेल का आयोजन किया जा रहा है। जीवन में अगर पढ़ना जरूरी है तो खेल भी आवश्यक है। इसलिए हम देखते हैं इस बीच हमारे सभी बच्चे खेल के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं, होना चाहिए। आज खेल में पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी हर हमेशा ये होना चाहिए, जिससे आगे बढ़ने में, पहुंचने में या खेल ज्ञान भारती विद्यालय परिवार में पूर्व वर्ष की बात ही इस बार भी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ आज किया गया माननीय सचिन महोदय के द्वारा। और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल जरूरी होता है, पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय परिवार पूर्ण रूप से यह प्रयास करता है कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। आप दिन भर की खबरें दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।